हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये देखिए, ये ऑटो स्टैंड, यहाँ पे ऑटो खड़े हुए हैं और हम लोग तो अभी जा रहे हैं बड़े रोजे पे सलाम करने के लिए। मैंने सोचा आप लोगों के साथ में मैं व्लॉग शेयर कर दूँ, आप लोग भी ज़्यारत कर लेंगे। तो अभी हम हमारे घर से तो काफ़ी दूर आ चुके हैं, मैंने वहाँ से शूट नहीं किया। तो ये देखिए, काफ़ी सारे ऑटो खड़े हुए हैं। ये गेट है उस अड्डे के करीब का। देखिए आसपास काफ़ी सारी दुकानें हैं। काफी सारी होटल है और यहाँ ऊपर गेस्ट हाउस भी है। रोजा अभी थोड़ी सी दूर रह गया है। अभी सामने ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, इससे ही जाते हैं वहाँ। तो यहाँ पे भी काफी सारी दुकानें हैं, लोबान और अलम वगैरह की। तो अभी मैं रोजे पे पहुँचने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो ये देखिए, काफ़ी पास तक हम लोग पहुँच गए और ये चौकी है हुसैन डिग्री की, सामने नज़र आ रही होगी आपको। और ये जस्ट रोजे के सामने ही है पुरानी चौकी। इधर पहले चौकी इस तरफ थी बहुत पुराने टाइम में, और अभी जो नई बनी है वो इस तरफ है। और वो जो सामने आपको दिख रहा है, वहाँ बड़ा है। अभी मैं सामने जाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये देखिए सामने ही रोजा है। इमाम बाड़ा जस्ट रोजे के सामने ही है। और ये आसपास देखिए फूल चादर वगैरह की दुकान है। ये गेट है और एक गेट उस तरफ भी है, वो मैं आपको अंदर जाने के बाद दिखाऊंगी। बस ये देखिए गेट है पूरा, और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो ये हम आ गए अंदर। अभी मैं सामने जाके आप लोगों को ज़ियारत करवाती हूँ। सामने जो रोजा नजर आ रहा है, वो बीवी तरफ का रोजा है। देखिए रोजा भी बंद है, ये पूरा रोजा है। देखिए ये देखिए सामने बीवी तरफ का रोजा है। और ये इस वक्त 2 बज रहे हैं। ये देखिए ये वाला गेट, एक और बीवी तरफ के इधर का। अभी इससे कुछ टाइम ही हुआ है बने को, और इस समय 2 बज रही। तो 2 बजे रोजे बंद रहते हैं अंदर के ज़ियारत करने के। थोड़ी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए बीवी जब का रोजा है, मैं आपको ज़ियारत करवाती हूँ। रोजा तो बंद है अभी, फिर कोई बात नहीं। ये देखिए रोज़ा है ये अंदर से। वैसे अंदर रोज़ों की मतलब वीडियो बनाने नहीं देते हैं, पर अभी मौलवी साहब नहीं है वैसे भी, और रोज़ा बंद है, इस वजह से मैंने आपको ज़ियारत करवा रही हूँ। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा वैसे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये तो चलिए, मैं अभी आप लोगों को रोजे के पीछे भी लेके चलती हूँ, आप लोग व्लॉग में बने रहे। और ये देखिए, ये इमाम बाड़ा है नया वाला, और पहले इमाम बाड़ा कहाँ था मैं वो आपको भी दिखाऊँगी, वो बड़े रोजे के, वो इमाम से रोजे के इस तरफ ही है। ये देखिए ये अभी नया इमाम बाड़ा है। तो ये बीवी जनाब के रोजे के पीछे की जगह है। यहाँ पर देखिए अभी नमाज के वक्त है, तो औरतें यही नमाज पढ़ती है, कुरान शरीफ वगैरह सफारे वगैरह पढ़ती है। तो चलते हैं हम लोग उस तरफ। और ये इमाम सुनते रोजे ये, और ये दोनों रोजे साथ में ही, मैंने आपको पहले वहाँ से दिखा दिया था वैसे। तो ये यहाँ पे भी वही नमाज वगैरह पढ़ने के लिए। ये देखिए, और सामने जो नज़र आ रहा है, ये नवाब साहब का मज़ार है।
यहाँ के जो राजा थे वो ये उनका मज़ार है, मतलब नवाब साहब, ये नवाब साहब का मज़ार है। मैं आपको इसे आगे से भी दिखा देती हूँ। और यहीं साइड में वजू खाना भी बना हुआ है, ये देखिए, ये वजू खाना है और ये मस्जिद है अंदर ही। तो ये देखिए मज़ार बना हुआ है उनका, और उन्हें बड़े रोजे के अंदर इमाम हुसैन के रोजे के यहीं दफन किया हुआ है। ये यहाँ जावरा के जो है राजा थे और इन्होंने ही सेंट टेगरी पूरी ताबीर करवाई थी। ये उनका मज़ार, ये सामने इमाम हुसैन का रोजा है, इन्हें रोजे के अंदर ही दफन किया हुआ है। ये देखिए और ये देखिए इस तरफ मस्जिद है, मस्जिद का एक गेट उस तरफ भी है बाहर, और एक ये रोजे के अंदर भी है। तो ये मस्जिद के अंदर लड़की नहीं जा सकती, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगी वैसे, वरना मैं आप लोगों को अंदर जाके भी दिखा देती। देखिए फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए और काफी प्यारी मस्जिद बनी हुई है। और ये देखिए सामने रोजे का आदम है, काफी ऊंचा है, यही भी मस्जिद ही है पूरी यहाँ से। और ये सामने सराय बनी हुई है लोगों के बैठने के लिए, ये देखिए इस गेट से हम अंदर आए थे, ये मेन गेट जहाँ से हम लोग अंदर आए थे। अभी एक गेट मैंने आपको बीवी जरब की और रोजे का तो दिखाया था, और एक गेट ये देखिए एक और सामने, ये भी सराय है लोगों के बैठने के लिए। और यहाँ सामने छल्ले बिनते हैं, मतलब जो लोग अपनी दुआएं जो छल्लों से बांधते हैं यहाँ पे जालियों पे। और ये देखिए तराजू है, यहाँ पे बच्चों को या किसी को भी मन्नत या मानते हैं या फिर मान के बाल वगैरह उतारते हैं तो उसके लिए ये तराजू यहाँ पे घर में सजाया जाता है। और वो देखिए सामने आपको नजर आ रहा होगा, तो ये पूरी जगह पे पहले का जो पुराना वाला इमाम बड़ा यहाँ था, फिर अभी नया वहाँ बना दिया गया है, बाकी पुराना इमाम बड़ा यही था, ये इमाम बड़ा। बस मैंने आप लोगों को दोनों रोजों की ज्यारत करवा दी। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए यहाँ से भी रोजे का व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है, ये देखिए ऊपर से गुंबद काफ़ी प्यारे दिखते हैं। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको सबको कैसा लगा, मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए मस्जिद का इस तरफ वाला गेट मैंने आपको अंदर से बताया था ना कि गेट उस तरफ ही है, तो ये बाहर आने के बाद इस रास्ते से मैं बाहर आई हूँ, और यहाँ पे ये मस्जिद का दूसरा वाला गेट है। बहुत ही प्यारी है मस्जिद अंदर से, बहुत प्यारी है, और लड़की अंदर नहीं जाती है, इसलिए मैं आप लोगों को अंदर से नहीं दिखा पाऊँगी।